हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज मैं आपको कक्षा 11 सिलेबस में अंग्रेजी की प्रोज की थर्ड चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, द एंट एंड द ग्रास ऊपर, एक चींटी और टिड्डे की कहानी, जिसको किस तरह से दो सगे भाइयों पर चित्रित किया गया है, टॉम रेमजे एंड जॉ रेमजे। इसके लेखक हैं W.S. Mom। किस तरह से वो बताते हैं कि लॉ फाउंटेन की कहानियों में बताया जाता है कि किस तरह से मेहनतशील को रिवॉर्ड मिलता है, पुरस्कृत किया जाता है, परंतु जो बैठे बैठे खाता है या जो नकारा व्यक्ति होता है अंत में उसे सजा मिलती है। पर ये चैप्टर इसका पूरी तरह से अपोजिट है। चलिए आइए देखिए क्या होता है। जॉर्ज हमेशा मेहनतशील रहा है, कर्मशील रहा है और सिंसियर रहा है, जबकि टॉम हमेशा नकारा रहा है। देखिए आइए चैप्टर में अंत में दोनों में क्या फ़र्क महसूस, क्या क्या मिलता है दोनों को। चलिए आइए चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। बच्चों, व्हेन आई वॉज अ वेरी स्मॉल बॉय, जब मैं एक बहुत छोटा सा लड़का था, आई वॉज मेड टू लर्न बाई हार्ट द सर्टन ऑफ लॉ फेबल, मुझे लॉ फेबल की कहानियाँ, लॉ फाउंटेन की कहानियाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई गई थी, एंड द मॉरल ऑफ ईच स्टोरी, और प्रत्येक कहानी का जो मॉरल नैतिक पार्ट है वो मुझे समझाया गया था। एक्सप्लेन टू मी अनदर दोज अमंग दोज आई हैव लर्न, जो मैंने सीखी थी उन सबके बीच में आंट एंड द ग्रास ऊपर, उसमें एक कहानी आंट एंड ग्रास ऊपर थी, विच इज़ डिवाइस टू ब्रिंग हिम द यंग यूजफुल लेसन, जो कि युवावस्था में तक मुझे बहुत अधिक सबक देती रही। इन द परफेक्ट बर्ड इंडस्ट्रीज इज रिवॉर्डेड एंड गिडीनेस इज पनिश्ड, इसमें यह बताया जाता है कि मेहनत को पुरस्कार मिलता है और नकारेपन को सज़ा मिलती है अंत में। आई अपोलोजाइज फॉर टेलिंग समथिंग, परंतु मुझे माफ़ कीजिए कुछ कहने के लिए, विच एवरी वन इज़ पोलाइटली बट एक्सटिंक्स सपोज टू नो, जो पूरी तरह से अलग है, जो मैं नहीं कह सकता। द आंट स्पेंड्स अ लेबोरियस समर गैदरिंग हिज विंटर स्टोर, चीटी जो अपनी पूरी गर्मियाँ खर्च कर देती है अपनी सर्दी के लिए, सर्दी अवस्था के लिए खाने इकट्ठा करने के लिए। वाइल द ग्रास ऊपर सिट्स ऑन द ब्लेड ऑफ अ ग्रास, जबकि एक टिड्डा घास की एक पत्ती पर बैठता है। विंटर कम्स, सर्दियाँ आती हैं। नॉट इज कम्फर्टेबली प्रोवाइडेड फॉर, और चींटी के पास पर्याप्त मात्रा में धन है, पर्याप्त मात्रा में खाना है। बट द ग्रास ऊपर हैड एंड एम्प्टी लैडर, परंतु टिड्डा का जो भंडार है वो बिल्कुल खाली है, क्योंकि उसने काम ही नहीं किया था। ही गोज टू आंट, वह उस चींटी के पास जाता है, एंड बैग्स फॉर ए लिटिल फूड, थोड़ा सा खाना मांगता है। देन द आंट गिव हिम क्लासिक आंसर, तब चींटी उसे बड़ा कलात्मक उत्तर देती है, वो क्या है सुनिए। वट वर यू डूइंग इन द समर्स, गर्मियों भर क्या करते रहे। सेविंग योर प्रेजेंस, जब तुम बचा रही थी तो आई सेंग, मैंने गाया ऑल डे ऑल नाइट, सारे दिन गाया, सारे रात गाया, तुमने देखा नहीं, जब तुम मेहनत कर रही थी, जब तुम अपना खाने इकट्ठा कर रही थी, तो मैंने सारे दिन गाया, सारी रात गाया। यू सेंग, तुमने गाया, वाय क्यों गाया। देन गो एंड डांस, चलो जाओ अब नाचो, मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा खाना दे भी देती हूँ तो तुम्हारे लिए उस कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरा कई दिन का भोजन चला जाएगा, तो बेहतर है कि मैं ना ही दूँ। आई डू नॉट एक्सक्राइब टू इस प्रिजर्विटी टू माई पार्ट, मैं इसे जीवन का अभिन्न हिस्सा नहीं मान सकता। राडर टू देन अनकॉन्स ऑफ चाइल्डहुड, बचपन से ही मुझे सदा सोचने पर मजबूर किया ये, विच इज़ डिफरेंट द मॉरल सेंस, कि इसका वास्तविक नैतिक मूल क्या है। दैट आई कुड नॉट क्वाइट रिकॉन्काइल माई सेल्फ लेसन, कि इस बात से मैं पूरी तरह से सबक नहीं ले सकता। माई सिंपैथीज वर विद द ग्रास ऊपर, मेरी दया काफ़ी हद तक दया घास टिड्डे के लिए भी थी। फॉर सम टाइम आई नेवर सॉ एन एंट विदाउट पुटिंग माई हेड ऑन फुट ऑन इट, काफ़ी समय तक तो मैंने बिना अपने पैरों से कुचली हुई कोई चींटी छोड़ी नहीं। इन द समरी, इस समरी में, एंड एज आई हैव डिस्कवर्ड सिंस इंटायरली ह्यूमन, जब मैं पूरा मनुष्य बना, पुरुष बना, आई सॉट टू एक्सप्रेस माई डिसअप्रूवल टू प्रोड्यूस माई कमेंट्स, मैं चाहता हूँ अपने विषय में कुछ कहना। आई कुड नॉट हेल्प थिंकिंग ऑफ दिस फेबल, मैं इस कहानी के पूरी तरह से पक्ष में नहीं हूँ। वेन अनदर डे, जब दूसरे दिन, आई सॉ जॉर्ज रेमजे लंचिंग बाय हिमसेल्फ इन अ रेस्टोरेंट, मैंने देखा कि जॉर्ज रेमजे अकेला एक रेस्टोरेंट में
खाना खा रहा था। आई नेवर सॉ एनीवन वेयर इन सच एक्सप्रेशन ऑफ सच डीप ग्लूम। आज तक मैंने इतनी ज़्यादा परेशानी में किसी को, इतनी ज़्यादा टेंशन में किसी को नहीं देखा था। ही वॉज स्टेयरिंग इन टू स्पेस। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अंतरिक्ष का चक्कर लगा रहा था। ही लुक्ड एज दो द बर्डन ऑफ द होल वर्ल्ड सैट ऑन हिज शोल्डर्स। ऐसा लग रहा था सारे विश्व का, सारे विश्व का जो बोझ है वो उसके कंधों पर आ गया। आई वॉज सॉरी फॉर हिम। मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा खेद हुआ, क्षमा की दुख हुआ उसके लिए। आई सपोज दैट एडवांस इज अनफॉर्चुनेट ब्रदर हैड बीन कॉजिंग ट्रबल अगेन। और मुझे तुरंत पता लग गया कि शायद उसका वही अभागा भाई उसे फिर परेशान करने की कोशिश कर रहा है। आई वेंट अप टू हिम। मैं उसके पास गया एंड हेल्ड आउट माई हैंड। मैंने उसे अपना हाथ दिया हैंड शेक करने के लिए। हाउ आर यू, मैंने पूछा, आप कैसे हैं? आई आस्क, आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट, मैं अच्छा महसूस बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, आई एम, इट्स टॉम अगेन, ये फिर से टॉमी है जिसने पाप को परेशान किया। ही साइड, उसने सांस लेकर बताया कि हाँ यही ये टॉमी है जिसने मुझे फिर परेशान किया है। वाई डोंट यू चक देम, तुम उससे पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते, तुम उससे पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते। यू हैव डन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर हिम, तुमने सब कुछ इस संसार में उसके लिए किया है जो कि एक भाई कर सकता है। यू मस्ट हैव नो बाय नाउ दैट ही इज क्वाइट होपलेस, तुम्हें अब तो समझ जाना चाहिए कि वह पूरी तरह से होपलेस, निराशाहीन हो चुका है, कि अब तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, अब तुम्हें उसके स्वभाव को समझ लेना चाहिए। तो इस तरह से बेटा इतना पढ़ लिया, और इसी के साथ लेसन की पीडीएफ है वो आप देख लीजिएगा।